वेलकम बैक टू मिनी व्लॉग। आज एक मिनी व्लॉग है और ये सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। गैलरी में खड़े होकर और धूप चेक करें, इतनी हद से ज़्यादा गर्मी। बिस्तर वगैरह समेट रहे थे भाई, बिस्तर समेटने थे, काम करना था। मासी है नहीं, हमारी मेड चली गई है गाँव, तो बस हम ही आजकल मासी बने हुए हैं। और ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने जो कि इस वक्त नंगे पुंगे बैठे हुए हैं। ये देखें भाई, हम मासी बन के हम झाड़ू भी लगा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर दिया। जुम्मे का दिन है, बच्चे जा रहे हैं नमाज पढ़ने, कुरान नहीं होता नमाज पढ़ने। और मैं भी फाइनली नहा धो के रेडी हो गई, जुम्मा था और बच्चों को भी कर दिया था। सब छोटा बच्चा था जीलान, तो उसको करना था नमाज का टाइम। अब नमाज में पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो भाई नमाज पढ़ लेते हैं, बच्चे गए हुए हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि रात के लिए क्या बनाएं, कुछ था नहीं। फिर हस्बैंड को कॉल की और हस्बैंड ने हमारी वही कॉल रिसीव नहीं की, क्या कर सकते हैं भाई। वही हमने फिर घिस पट के बच्चे को तैयार किया गुस्से में, क्योंकि घर में कुछ था नहीं। आज दिल भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, थक गए थे, गर्मी बहुत थी ना। तो बस काम सारा साफ हो चुका था, किचन समेट लिया था। बस सोच सोच के बिल आखिर मैंने निकाली दाल, दाल भिगोई भाई चने की और मूंग की दाल भिगो दी प्याले में। और इसके बाद बना लिया बच्चों के लिए मैगी। बच्चे शाम में ट्यूशन से आए तो भाई अम्मा मैगी दे दो, बना दिया इनको मैगी, लो भाई खा लो तुम भी। अब ये छोटा कहाँ पीछे रहेगा, तो छोटे को भी मैगी खाना था तो छोटे को मैगी खिला दिया। और हम देख रहे हैं भाई मास भाई का व्लॉग, बच्चे देख रहे होते हैं, तो बस वहाँ भी देखें बर्गर खा रहे हैं। फिर आ गए खापा शापा, ये बच्चों के कचरे लेने थे, चीज़ें लेनी थी। हमारी यहाँ पे फ्लोर पे दुकान है और बन गया ज़बरदस्त सा दाल चावल रेडी मेरा। और रात का डिनर का टाइम हो गया। मेरी व्लॉग है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने लिए थोड़ी रोटी बनाई थी मैंने, एक रोटी, क्योंकि मैं चावल नहीं खाती। ये देखें आप लोग कौन कौन खाता है ये दाल और रोटी भी होकर। ज़बरदस्त हस्बैंड को खाना दे दिया, चाय तैयार हो गई रात की चाय। आप ज़रूर बताइएगा मेरी व्लॉग कैसा लगा, तो ज़रूर बनाऊँगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।